तो देखो इस बंदे को गौर से, इसकी पिटाई करनी है मुझे, बहुत ज्यादा बदमाश हो रहा है ये। क्या हो रहा भैया, ये तो काजल के बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, अभी मेरी आवाज़ फिर से डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पता होगा, शायद कुछ को ना पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे भाई की अभी डेथ हुई है, बड़ी मम्मी के बेटे की, जिसके कारण थोड़ा सा रोने होने की वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी दब गई है, और जिसकी वजह से मेरी आवाज़ स्लो आ रही है। तो इसके लिए प्लीज़ इग्नोर करिएगा और वीडियो को वॉच करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ केंद्र, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। नाश्ता कर रही थी, आपने देख लिया है, तो पार्वती सूट कर रही थी वो, और अब मैं पी रही हूँ चाय। चाय भी ले आई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जल्दी जल्दी चाय पी रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी चाय पीती हूँ, लेकिन क्योंकि देखो ये टाइम ही नहीं रहता ना कि चाय पियो, तो खाना के साथ चाय फिर ठीक नहीं लगता ना, नुकसान करेगी। मैं थोड़ी सी लेकिन पी लेती हूँ कि मुझे संतुष्टि हो जाए। मैं पी लेती हूँ चाय, और आज मुझे बहुत सारे काम है फ्रेंड्स। आपको पीना है तो आ जाओ भाई, पी लो चाय। ये देखो मैं ठंडी पीती हूँ चाय, ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। ठंडी के समय लेकिन मुझे गर्म गर्म चाय पीने का मन करता है। और बस मैं निकल रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखो स्कूल से आया है, खाया है तो लाल हो गया, आइसक्रीम खाकर आया है तो लाल कर ली शर्ट। मेरा बैक कैमरा ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, पानी में गिरने की वजह से मोबाइल तो थोड़ा धुंधला आता है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखो इस बंदे को गौर से, इसकी पिटाई करनी है मुझे, बहुत ज़्यादा बदमाश हो रहा है ये। दिखा शर्ट अपनी, दिखा, देखो लाल लाल लगा कर आ गया, दिख नहीं रहा, लाइटिंग कम लगती कमरे में, तो जितनी तेज हो। और ये आया है और मैं जा रही हूँ, एग्जाम चल रहे हैं तो जल्दी आ जाता है फ्रेंड्स, और मुझे थोड़ा लेट भी हो गया है, तो बस मैं निकल रही हूँ, तो आपको हम वहीं मिलते हैं। अब फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ, और मैं निकाल रही हूँ छाता, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है। मैं सूट पहनती हूँ तो मुँह बांध लेती हूँ, बट मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो मुझे मुँह बांधने में मज़ा नहीं आती। पार्वती दरवाज़ा बंद कर लो। तो हम निकल आए हैं और हमने छाता ले लिया है, और आज सीढ़ी में रहता है अंधेरा। पार्वती ने लाइट बंद कर दी है, तो सॉरी दरवाज़ा, सीढ़ी में और अंधेरा हो गया। तो हम निकलते हैं, नीचे पहुँच के छाता लगाएंगे, उसमें पहुँचते ही वो गॉड भूल गया कुछ, पैसे का बैग भूल गई। पार्वती फ्रेंड्स, आज देखो मैं दूसरे वाले पुल से जा रही हूँ ना, दूसरा हो आप लोगों को कुछ अलग सा पेड़ वेड़ लगे हैं, तो काफ़ी नीचे आइए। और पता है क्योंकि जाम लगा हुआ है, रास्ते से हम रेगुलर जाते हैं, और ये थोड़ा लंबा रास्ता है, बट जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। जाम लग पता नहीं क्यों कितना लगने लगा है इस समय पे, हमारे छोटे से सिटी में भी, तो कानपुर वानपुर रेल है, कानपुर लखनऊ, तो इस वजह से हम ये बड़े वाले पुल से जा रहे हैं, और लेट हो जाऊंगी मैं वैसे घर से, काफ़ी मेरे टाइम का दिक्कत घर में थोड़ा थोड़ा वैसे भी होंगे, और यहाँ से जा रही हूँ लेट हो जाऊंगी। चलो लेकिन जाना तो है ही, जा रहे हैं, मिलते हैं आप लोग अपने पास, ठीक है।
पर भी तो कितना जाम है। गजब है भाई। बहुत जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम की वजह से लोग घुमा के इधर चला रहे हैं ना। कहाँ कहाँ से घूम के जा रहे हैं हम लोग भैया। वहाँ जाम है, कहाँ गिला रहे हैं हम लोग। क्या हो रहा है भैया, ये तो काजल के बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं। काजल कहाँ है? काजल की तबीयत खराब हो गई है फ्रेंड्स। आप सबने देखा है ना कितनी प्यारी सी कुतिया है वो। ये सब बच्चे हैं उसके, सब भूखे हैं तो दीदी हमारी दूध दे देती है पीने के लिए। बकरी का है, भैंस का? बकरी का, भैंस का है। इनके यहाँ गाय भैंस है ना। चले टमुक टमुक के चले पी के। देखो ये देखो मेरे पास आ रहा है, ये देखो। कहाँ चाहिए बाबू, कहाँ चाहिए, हैं क्या चाहिए? पुण्य कमाओ, खूब पुण्य कमाओ पिला पिला के। अब उसका पेट भर गया तो कहे भी है वो, कहते पिट्टू भर गया भाई हमारा, पिट्टू भर गया है, जबरदस्ती मत पिलाओ। वो है ही है, पहले ही से छोटे छोटे से दिख रहे हैं। देखो मम्मी को ही तो जाएंगे। ये बहुत चालू है। अरे सगले जाइए यही देखे बंदिया माए जो कौ न लग जाइए ना तो कक भूहाई मचाइए जैसे मुलिया हम के बाढ़े है उसी तरह है वो बाढ़ हमारे। क्या है बेटू, क्या है, हैं कितने क्यूट लगते हैं। क्या हो गया बेटी, क्या हुआ के बच्चा हो देख तो खोल दे। बिड़िया है, वो देखो वो उनका घर है। अरे ये देखो, दिखा भाई, दिखा भाई थोड़ा सा कल्ली है। ये देखो भाई बीमार है भाई कल्ली, देख लो भाई अपने घर में बैठी है यहाँ पे। क्या हो गया इसको, क्या हो गया है बाबू? तबीयत खराब है देखो तो, आँख देखो उसकी दिख रही है। दवाई नहीं लाएगा? सरकारी में ले जाओ, अच्छी दवाई मिल जाती है वहाँ पे। हाँ दिखाने ले जाओ बेटा, क्योंकि बहुत जानवर को कुछ होता है ना तो एकदम कसम से जान निकलती है। हमारी जी कुत्ता खत्म हो गया, ध्यान नहीं दिया था उन लोगों ने बीमारी बीमारी में। फ्रेंड्स मैं केंद्र में आ गई थी और मेरी सहायिका केंद्र नहीं आ रही है, छुट्टी पर है तो मैं अकेली हूँ और बच्चे भी नहीं आए इसलिए। और ये हमारी दीदी आकर बैठ गई हमारे सपोर्ट के लिए। और मैं जा रही हूँ घास काट लूँ बन्नों के लिए पीछे खेत से। मन नहीं करता मेरा, लेकिन क्या करूँ, मेरा बच्चा क्या खाएगा, काटनी पड़ेगा। साड़ी पहन के मन नहीं करता बिल्कुल भी साड़ी को अमर में खोसना पड़ता है झुकने के लिए। मेरी सोने वाली बाली ना फ्रेंड टूट गई है बार बार उतारने की वजह से, शॉर्ट बनाने में उतार देती थी। और मैं आर्टिफिशियल वाली पहनी हूँ, ये थोड़ी बड़ी है, मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन दीदी को अच्छी नहीं लग रही ना दीदी? अच्छी लग रही है। सही बताया करो, देखो झूठ ना बताया करो। साड़ी वही है मेरी बाली, साड़ी तो मेरी अच्छी है ही है, साड़ी की तो मैं खुद ही तारीफ करती हूँ। बाली भी सही है। अब थोड़ी और छोटी कह रही, देखो तभी ना थोड़ी सी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन नाक में मुझे चिपकी हुई वाली पसंद ही नहीं है कि एकदम चिपक कर आए ऐसे, मुझे थोड़ी बड़ी वाली अच्छी लगती है। तो मैं वो वाली चेंज करा के महन को देखाऊं, भाई को देखाऊं लखनऊ, फिर लौट के आऊँगी फ्रेंड्स। तब तक मेरी सैलरी भी आ जाएगी तो मैं इतनी चेंज करा लूँगी। आलस आ रहा है घास काटने में आज मुझे।
फिर काटना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बाबू क्या कहेगा। इतनी बदमाश हो गई है इस समय पे वो दीदी, कसम से मेरी बन्नू हो, क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी कुर्ती को फिटिंग कराने के लिए। अरे भाभी को मैंने कम से कम 15 दिन से दिया हुआ है कुर्ता, इन्होंने फिटिंग नहीं किया है, करी सामने करूँगी। तो मैं बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ और फिटिंग कर रही हूँ। और कई सारे कुर्ते सूट रखे हैं मेरे फिटिंग कराने के लिए और बनवाने के लिए, लेकिन कोई भी टेलर टाइम पर कपड़े देता ही नहीं है, क्या करें। पता नहीं कितना कपड़ा होता है इनके पास सिलने के लिए, जब भी कहो एक महीने बाद मिलता है। कभी हमारी फिटिंग हो जाए फिर हम चलते हैं घर। हाँ घास की पनी उठा लो अंदर भैया। हाँ घर आ गए हम। तो फाइनली फ्रेंड घर आ गई हूँ और जो कपड़ा फैलाई हुई पार्लर तय कर रही है, लग रहा है बहुत गर्मी है भाई, थकान भी ऐसे ज़्यादा चढ़ गई है मुझे। अरे देखो बैग नहीं उतार रहा मैंने, और आज कैमरा ऑन किया है क्योंकि मेरे पास ब्लॉग नहीं है ना शेयर करने के लिए, बहुत थकान लग रही। वो कहाँ है पार्लर भैया, वो कहाँ है? यहाँ आओ एक गिलास पानी लाओ। क्यों गए फिर? एक हमें एक ही काम कर लेती, धुल भी रही, तह भी कर रही, दोनों कर रही क्या? मैंने कुछ समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, और लास्ट मैंने ये क्लिप जोड़ दी। मैंने एक ऑनलाइन नेकलेस मंगाया हुआ था तो मैं उसी को खोल रही थी अनबॉक्सिंग, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ आप लोगों को भी और भी वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। देखो कितना प्यारा सा है, अच्छे लगते हैं ना इस टाइप के हार में भी सूट में भी पहन लो और साड़ी में भी पहन लो। छोटे छोटे इयरिंग है इसी टाइप के, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं बहुत दिन से मीशो पे देख रही हूँ बट मैंने सोचा पता नहीं कैसा होगा, बट मैंने कहा भी मैं ये शॉर्ट बनाती तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैंने मंगाया। तो मैंने कहा अच्छा लगेगा शायद तो रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे, बट बहुत अच्छा लगा। प्राइस भी बहुत अच्छी है, 167 का है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से ना बहुत अच्छा है, क्वालिटी नंबर एक है, टू गुड है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स न्यू मेम्बर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। बाय, टेक केयर।